हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं होममेड ब्लीच, जो घर पे ही बनाए हैं, घर की चीज़ों से बनाए। और मार्केट की ब्लीच अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा होता है, नुकसानदायक होती है, स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। ही चीज़ों से बनाए होममेड ब्लीच तो कोई वो नहीं है ज़्यादा। हाँ, आप इसको एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सेंसिटिव स्किन वाले को सूट नहीं करती, तो आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर इसको आप हफ्ते में एक बार जरूर लगाएंगे तो रिजल्ट जरूर हेयर जो होते हैं वो अपने ब्राउन नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ग्लो बहुत अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है स्किन में, और एक इवन टोन देके जाता है। अपनी स्किन को आप खुद ही लगाएंगे तो खुद पता चलेगा आपकी स्किन पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। तो स्किन में थोड़ी ग्लो आ जाएगी, तो इसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो घर की चीज़ें होती है, तो घर की चीज़ें थोड़ी देर में फ़ायदा करती है। लेकिन हाँ, ये फ़ायदा जरूर करती है। ये कोई भी अगर कहता है कि हाँ लगाओ और तुरंत गोर हो जाए, तो आप इस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर की चीज़ें थोड़ा होती है, थोड़ा धीरे धीरे काम करती है, तुरंत नहीं करती। लेकिन हाँ, आप इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो हाँ जरूर इसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है, मार्केट की चीज़ों से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो और खाने पीने पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, स्किन पे ही नहीं, कि स्किन लगाने से स्किन की रंगत निखरती है, ऐसा नहीं। खाने पीने से भी हमारी स्किन की टोन को ब्राइटनेस बढ़ाती है। हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है स्किन का टोन, थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाती है स्किन में। तो आप हफ्ते में एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा, और हाँ इसका रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा मेरे से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाते हैं DRY ब्लीच। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिएगा। मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्न स्टॉच ले लिया है। आप कोई भी कमी से किराना के स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर आसानी से मिल जाता है कॉर्न स्टॉच है। ये मैंने 2 चम्मच के करीब ले लिया। इसके बाद मैं इसमें एलोवेरा डालूंगी। ये देखिए पतंजलि का है, ये मैं इसमें 1 चम्मच के करीब एलोवेरा डालूंगी। ये देखिए कुछ इतना 1 चम्मच के करीब एलोवेरा डालूंगी। फिर मैं इसमें 1 विटामिन ई की कैप्सूल डालूंगी। ये देखिए मैं 1 विटामिन ई की करके 1 विटामिन ई की कैप्सूल मैंने डाल दी है। देखिए और इसको घोल बनाने के लिए मैंने चावल लिया था। चावल को मैंने रात में भिगा लिया था। आप नहीं है तो आप 4 से 5 घंटा भिगा लीजिए। चावल के पानी को हमको यूज करना है, तो चावल के पानी से ही हम इसमें इसका घोल बनाएंगे। चावल आपको पता ही है स्किन के लिए हमारे कितना अच्छा होता है, तो उसका पानी तो उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम इसके घोल को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक बैग नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको अच्छा से घोल बना लें। मैंने अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। अब अपने पहले चेहरे को साफ कर लीजिए अच्छे से फेस वॉश से। और साफ करने के बाद ये मैंने इसके टेक्सचर को, ये कितना क्रीमी दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितना क्रीमी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम क्रीम है। और इसकी स्मेल इसकी बहुत अच्छी है। इसमें एलोवेरा, अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप बादाम का स्वीट बादाम अमरनाथ डालिएगा, स्वीट बादाम का तेल, और नहीं तो आप नारियल का तेल जैसा होना चाहिए, नहीं तो आप विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकते हैं, अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल नारियल का तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोल्ड प्रेस नारियल का तेल डालें तो ही अच्छा है। तो ये देखिए कुछ ऐसा, ये कितना क्रीमी है ये। तो मैंने अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लिया है, चलिए मैं इसको अच्छे से लगा लेती हूँ। अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं इसको पहले अच्छे से लगा लेती हूँ। देखिए मैं पूरे में अच्छे से मैं लगा लूँगी, बिल्कुल अच्छे से, आपको एक भी पार्ट छोड़ना नहीं है, अच्छे से पूरे में लगा लेना है। मैं लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लिया है, और इसको मैं 15 मिनट तक लगे रहने दूंगी। 15 मिनट के लगने के बाद सूख जाए, 15 मिनट के बाद मैं इसको नॉर्मल वाटर से धुल लूंगी। और इसको नेचुरल है तो कोई नुकसान भी नहीं, इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। मेरा चेहरा सूख चुका है और मैं भूत लग रही हूँ, लोग डर जाएंगे मुझसे, तो मैं धुल लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए मैंने अपने चेहरे को अच्छे से पानी से, ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लिया, और मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील हो रही है, और बहुत ही मतलब थोड़ी ये नहीं कि तुरंत लगाया तुरंत काम कर गई तुरंत अच्छे से मतलब हो गई और गोरे हो गए ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। घर की चीज़ें होती है तो थोड़े टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, तो धीरे धीरे काम करती है। हाँ, लेकिन ये होता है कि इसमें केमिकल वगैरह नहीं होते, तो ये अच्छा होता है स्किन के लिए, अच्छा होता है हमारे। और
हमारे जो भी पिंपल्स वगैरह होते हैं, ये सारे चीज़ें के लिए अच्छा होता है। तो घर की चीज़ें होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ रिजल्ट बहुत वेस्ट होता है, सबसे वेस्ट होता है। तो घर की चीज़ें से बनी है, ना कोई साइड इफेक्ट है ना कुछ है, लेकिन आप पेस्ट जरूर कर लीजिएगा। तो आपने देखा मेरे स्किन अभी बहुत ही, मतलब मेरे को, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरे को मेरी स्किन बहुत ही, मतलब थोड़ी सी जान लग रहा है कि डल, मेरी स्किन बहुत डल हो चुकी थी, थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी स्किन में भी अभी जान है। रोज वाटर लगा सकते हैं, उसके बाद आप सीरम लगा लीजिए, या तो आप कोई सा भी तेल लगा सकते हैं, नहीं तो आप एलोवेरा लगा सकते हैं, इसके बाद आप कुछ लगा सकते हैं। और हफ्ते में, ये घर की चीज़ें होती है तो हफ्ते में 1 से 2 बार भी आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। हफ्ते में 1-2 बार लगाइए या 1 बार लगाइए जैसा हो, लेकिन हाँ आप डेली रूटीन डेली फॉलो करेंगे तो स्किन टोन में, सेट में जरूर 1-2 फर्क आता है, स्किन अपनी लाइट और ब्राइट हो जाती है। तो आप डेली ये सब ट्राई करते रहिए, और भी कुछ रेमेडी के साथ मिलेंगे हम। और प्लीज़ मेरे, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कैसा लगा मेरा डियर ब्लीच, आपने देखा होगा कितना, मतलब पहले से स्किन मेरी बहुत ही, मतलब स्किन में मेरी जान एक तरह से आ गई, मेरी स्किन बहुत डल हो रखी थी, तो आ गई, आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं। और हाँ, आपको नहीं अगर ऐसे विश्वास है तो आप लगाइएगा और फिर बताइए आपकी स्किन इतनी चमकदार पहले से हो चुकी है, पहले से बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है आपका स्किन का सेड, और स्किन में एक नई जान आ चुकी है जो बहुत डल हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से आप घर में ही रह रहे हैं, घर बाहर पार्लर वगैरह नहीं जा पा रहे, तो घर की चीज़ें से बनाए। हाँ ये चीज़ें थोड़ी देर में इफेक्टिव होती है, लेकिन होती ज़रूर है। और ये कॉर्न स्टार्च में नेचुरल ब्लीच होता है, तो हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, ये हमारे सेड ब्राउन कर देता है, लेकिन अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है, स्किन टोन इफेक्टिव है। तो यूज़ करके इसका रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा, और आप यूज करेंगे तो आपको पता खुद ही चल जाएगा कितना, मतलब ब्राइट हो गया आपका चेहरा। तो ऐसे ही कुछ मिलते हैं, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, अलग कुछ डिफरेंट टॉपिक पे, तो तब तक के लिए